बक्स पड़े जो नैन में तो नजर ना खुद को आवे। अब न कौन है ये तो इसके होश में आने के बाद ही पता चलेगा। रास्ते में जख्मी मिला था मुझे। कहां से मिला आपको? इस जागीर का बच्चा बच्चा जानता है कि मुराद अली कौन है, और तुम ही पहचानती नहीं। बेबेजान, आपकी जागीर का बच्चा बच्चा जानता होगा, लेकिन मेरी जागीर में वो एक अजनबी है। क्या मेरी माँ जानती है कि मैं यहाँ पे हूँ? मुझे खुद आज पता चला है कि आप पड़ोस की जागीर के मुराद अली हैं। मैं नूरजहां की हवेली में हूँ। मेरे खुदा, काफी अरसे से बेहोश पड़ा है वो हमारी इस हवेली में। इत्तेफाक की बात है कि आज ही होश आया उसे। शुक्र है अल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। तो अपने घर जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं तो शौक से जाएं। नायाब, आप जरा बेबी जान के पास बैठ के कुछ बातें कीजिए। हम उस अजनबी को लेकर आते हैं। क्या पता ये वही अजनबी हो जिसकी बेबी जान को तलाश है। मुझे नायाब ने बताया कि किस तरीके से दिन रात आपने मेरा ख्याल रखा। आपके एहसान को मैं कभी फरामोश नहीं कर पाऊंगा। तो आप मुराद अली हैं? जी हाँ, गालबन आपको मालूम नहीं होगा। आपके खत पढ़ चुकी थी मैं। मुलाकात उस रात हुई जंगल में। पता नहीं कैसे उस दिन वो हादसा हो गया। अगर आप ना आती तो कोई और आ जाता। आप मेरी दूसरी जिंदगी का वसीला बनी हैं। आपकी वालदा मोहतरमा आपको लेने आई है। क्या बेबी जान, उनको बता दिया था आपने? खुद ही आई हैं। मैं जानती नहीं थी कि आप मुराद अली। चले। आप चल सकते हैं या मुलाजिम बुलवाऊं आपके लिए? नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। खुद को बेहतर महसूस कर रहा हूं। क्या चाहिए तुम? आज तुम अगर हमारी जान भी मांगोगी तो हम देने से गुरेज नहीं करेंगे। मैंने मुराद अली की नहीं, एक लाचार और मजबूर की जान बचाई। और मांगना इस हवेली की और हमारे खानदान की फितरत में शामिल है। हम तो बेहद मोहब्बत और खुलूस से कह रहे थे। नायाब अंदर जाइए।
मेरी मां ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया आपकी तरह। आप इसे दोस्ती कहते हैं मुराद? ये दोस्ती नहीं है, आपकी मां शुक्रगुजारी कर रही है हमारी। आप मेरी मां की तौहीन कर रही हैं। तौहीन तो आपकी मां ने की है हमारी। हमारी इंसानियत की कीमत लगाई है इन्होंने। लेकिन हम तुम्हारे एहसानमंद हैं। जब भी हमारी जरूरत पड़ी एक आवाज लगाओगी तो दौड़े चले आएंगे। खानदानी दुश्मनी खत्म करने का आपने एक बहुत अच्छा मौका गवा दिया है। अगर फिर भी मैं और मेरी मां आपके शुक्रगुजार रहेंगे। आ जाओ। सवा नौ बज गए थे इसलिए जगा दिया। कुछ लोग आए हैं मुलाकात के लिए। उन्हें वापस भेज दीजिए प्लीज। ठीक है। नाया आप कहाँ हैं? वो सुबह से पियानो बजा रही। नाश्ता किया उसने? नहीं, कह रही है मुझे भूख है। आप नाश्ता लगाइए, मैं चेंज करके आती हूँ। जी ठीक है। दुनिया देखना शायद तुम्हें महंगा पड़ गया। नहीं भाई, ऐसा नहीं है।
एक मगरूर और अखड़ औरत के साथ हवेली में वक्त गुजारा, और हवेली में नहीं उसकी तीमारदारी में वक्त गुजारा। कभी कभार मैं ये सोचता हूँ कि मैंने उसके बारे में आज तक जो कुछ भी सुना है वो सब गलत है। उसने जिस तरीके से मेरा ख्याल रखा, दिन रात मेरे साथ ही रही हो। शायद वो तुम्हें उस वक्त पहचानती नहीं हो। चंबेली, ओ चंबेली, चंबेली कहाँ गायब है तू? बाप रे बाप, क्या हो गया? कहीं खाला तो नहीं गुजर गई? तोबा कर, उल्टी सीधी बातें जबान से निकालती रहती है। क्यों, क्या तूने नहीं गुजरना? अरे एक ना एक दिन सबने गुजर जाना है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी, और जितनी जल्दी मर जाए उतना हम जैसों के लिए अच्छा है। हाँ चल हट, तू तो बिल्कुल ही पागल है, हर वक्त मुझसे उल्टी सीधी बातें निकालती रहती है। नाश्ता क्यों नहीं किया? भूख नहीं है। अच्छा, मैं समझी मेरा इंतजार कर रही होगी। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। भूख क्यों उड़ गई है? पता नहीं। चलो आओ नाश्ता करते हैं। आ जाओ। कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? जी बेहतर, शुक्र अल्लाह का। आज रात तुम्हारी सेहतियाबी की खुशी में बड़ा दस्तरखान बिछाया जाएगा। जी अच्छा। 11 काले बकरों का सदका भी दिया जाएगा। मेरी जान बची तो बेचारे बकरों की जान गई। बुरी बात बेटा, हर बात मजाक में नहीं उड़ा दिया करते। खैर, हम तो ये सोच रहे थे कि हम नूरजहां और उसकी बहन को भी बुला लें, मगर सोच तो मैं भी ये रहा था कि बेजान नूरजहां ने मेरी कई दिन बहुत तीमारदारी की है, मगर कल रात उसका रवैया मेरी समझ में नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। तीमारदारी उसने एक अजनबी की थी, दुश्मन की नहीं। वो अगर तुम्हें पहचान जाती तो वहीं जंगल में तुम्हें मरने के लिए छोड़ जाती। नहीं बेबी जान, अगर वो मुझे पहचान जाती तब भी मेरी मदद करती। तुमने शायद उसके तेवर नहीं देखे। बेबी जान, कुछ तो ऐसा हुआ होगा, कुछ तो ऐसा जरूर हुआ होगा जिसने उसका रवैया तब्दील करने पे उसको मजबूर किया है। क्या मतलब है तुम्हारा, क्या कहना चाहते हो तुम? क्या हमने कुछ ऐसा कह दिया जो नहीं? बेबी जान,
मेरा हर किसी मकसद नहीं था कहने का। खैर रहने दो, आओ नीचे आ जाओ, हम तुम्हारी नजर उतारते। जी बेहतर। आओ बेटा। आपको क्या हो गया? दो तीन दिन से बिल्कुल चुपचाप और अकेली अकेली अपने में लगी है। नायाब मुराद, शुक्र है आपने पहचान लिया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे क्यों, हर दफा मेरा यहाँ आना किसी हादसे से ही मुंसलिक होगा। अल्लाह ना करे। आप इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हैं? मैं हर रोज सुबह यहाँ परिंदों को दाना डालना। कहते हैं परिंदों को दाना डालने से आपके दिल की हर मुराद पूरी हो जाती है। आपको क्या हो गया? दो तीन दिन से बिल्कुल चुपचाप और अकेली अकेली अपने में लगी है। पता नहीं क्या हो गया, लगता है मोहब्बत हो गई है किसी से। नयाब और मोहब्बत, वो अभी भी 10 साल की बच्ची है। खुद आज पता चला है कि आप पड़ोस की जागीर के मुरादली हैं। जहां आप ही को भी शायद नहीं पता है ये बात। ये रकम आप उन लोगों में बराबर से तकसीम कर दीजिए। जी बेटा, इसका हिसाब मैं बुआ को दे दीजिए। मेरे लायक और कुछ हुकुम? साओ नायाब कहाँ है? जरा उसे मेरे कमरे में भेजिए, बात करनी है। वो तो हवेली में नहीं है। हवेली में नहीं, मगरिब का वक्त होने वाला है, क्यों नहीं आई अभी तक घर? मैं बुलवाती हूँ उसे। फौरन बुलवाइए।
शोभा जी बीबी जी, मुराद कहाँ है? जी वो कमरे में नहीं है। तो अकबर अली के पास होगा? उनके साथ भी नहीं है जी, वो तो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है तो कहाँ गए? पता नहीं जी, गाड़ी में जाते हुए देखा था। कितनी देर पहले? कोई घंटा पहले। ठीक है जाओ। मुझे नायाब ने बताया कि किस तरीके से दिन रात आपने मेरा ख्याल रखा। आपके एहसान को मैं कभी फरामोश नहीं कर पाऊंगा। हम सब पर रहम फरमा, गुमसुम वक्त की चाप तले अंगार बना दिल अंगना, सूझ समझ सब त्यागी भूले कौन पराया। अकबर अली, क्या तुमने सुना? मुराद हमें बगैर बताए जमीनों पे चला गया, जबकि तुम जानते हो कि वो ठीक से सेहत याब भी नहीं हुआ। पहले आपने भेजा था उसको, अब अपनी मर्जी से चला गया तुम। मगर क्यों? शायद जमीनों का नक्शा बदलने का वक्त आ गया है।
नायाब। मुराद। शुक्र है आपने पहचान लिया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं अरे? क्यों? हर दफा मेरा यहाँ आना किसी हादसे से ही मुंसलिक होगा। अल्लाह ना करे। आप इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हैं? मैं हर रोज सुबह यहाँ आती हूँ, परिंदों को दाना डालने। कहते हैं परिंदों को दाना डालने से आपके दिल की हर मुराद पूरी हो जाती है। सही कहते हैं, दिल की हर मुराद वाकई पूरी हो जाती है। आप पहले यहाँ कभी आए? नहीं ना? आए आप देखे। अगर जहां आप ही को पता चल गया तो कुछ नहीं, उनको आज से ही शादी की तैयारियां शुरू करनी पड़ेंगी। आज के बाद तुम घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलो, सारा वक्त मेरी नजरों के सामने रहोगी बस। एक ना एक दिन तो जाना ही, जब मेरी शादी हो जाएगी। जितनी तुम्हारी उम्र है उतनी बात किया करो ना आप। बेटा इतनी रात के क्यों आई हो? बहुत बेचैन हूं मैं, समझ नहीं आता कि क्या करूं। वो घड़ी आ गई है जिसका जिक्र किया था, आजमाइश, सब्र करना, सब्र। सबर नहीं हो रहा मुझसे, बहुत कोशिश कर रही हूं खुद को काबू में रखने की। काबू नहीं कर रही हो, हिम्मत पैदा कर रही हो वो सब कुछ कर गुजरने की जिसकी तुम्हें ताप नहीं है। संभालो बेटा, खुद को संभालो। खुदा ने इंसान में तमाम मस्बत और मनफी खूबियां सिफतें गूंज दी हैं, जानती हो क्यों? ने तमाम गुनाहों को इसलिए पैदा किया जो आदम और हव्वा को आसमान सके, जो इस
आजमाइश में पूरा उतर गया, वो बेड़ा पार कर गया, और जो अपने नफ्स का मुजरिम बना वो गुनाहों में डूब गया। अगर जहां आप ही को पता चल गया तो कुछ नहीं, उनको आज से ही शादी की तैयारियां शुरू करनी पड़ेंगी। बल्कि मैं तो सोच रहा था कि उनसे खुद ही जाके आज ही बात कर लूं। नहीं मुराद, अभी नहीं। क्यों नहीं? बस नहीं ना, पहले मैं उनसे बात करूंगी फिर। मैं जानता हूं कि तुम उनसे कभी बात नहीं करोगे। करूंगी सच्ची। मुझे एक बात बताओ, ये तुम अपनी आप ही से इतना डरती क्यों? मैं जहां आप ही से थोड़ी डरती, हमारे खानदानों के बीच में जो दुश्मनी है ना, इनसे बहुत डरती हूं। तारीख उठा के देख लो, इस तरह की जितनी भी खानदानी दुश्मनियां थी वो हमेशा ऐसे ही रिश्तों से खत्म होती। कौन सी दुनिया की बात करें आप, हमारे ऐसे रिश्तों में कयामतें आ जाती, खून खराबा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, जो मुझसे वादा करो कि आज ही जाके अपनी आपी से बात करो। करो वादा। आज? हाँ आज ही। अच्छा हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मुराद बात कर रहा हूँ, नयाब से बात हो जाएगी? नूरजहां प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मैं नूरजहां नहीं, बुआ बोल रही हूँ। नूरजहां बाहर गई हुई है। नयाब तो होगी? नहीं है, वो भी नूरजहां के साथ गई हैं। सरकार आपने मुझे बुलाया था? जी। मुझे बताइए, नूरजहां की हवेली में कोई जानने वाला है आपका? नूरजहां की हवेली में? सरकार थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, मैं पता करके बताता हूं आपको। पता करके बताइए। ठीक है सर। ये मत समझो नायाब कि तुम्हें देखने और पूछने वाला तुम्हारे सर पर कोई नहीं। जहां भी फजूल बातें मत करो,
सारा सारा दिन घर से बाहर रहती हूँ। जानती हो मैं कितना घबरा जाती हूँ? आज के बाद तुम घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलो। सारा वक्त मेरी नजरों के सामने रहोगी बस। एक ना एक दिन तो जाना ही, जब मेरी शादी हो जाएगी। जितनी तुम्हारी उम्र है उतनी बात किया करो नायाब। आइए जी। कौन आया? शोभा जी। जी सरकार, इसकी खालाजाद बहन नूरजहां के हवेली में काम करती है। काबिले भरोसा? आपके वफादार है सरकार। इसे आपने समझा तो दिया ना कि खत किसको पहुंचाना है? जी सरकार, मैंने सब समझा दिया इसे। ठीक है, रुकिए। इसको दे दीजिएगा। आपकी खादिम है सरकार, इसकी क्या जरूरत? रख लें जो कुछ। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। नाश्ता तो कर लो। मुझे भूख नहीं है। तुम बाहर नहीं जा सकती। क्या मतलब बाहर नहीं जा सकती? नूरजहां का हुक्म है। हवेली से बाहर जाने से क्यों मना किया? क्योंकि तुमने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई। मुराद अली जैसे दुश्मन से मिलती रही हो तुम। उस दुश्मन को घर भी तो आप लाई थी। आपको बताने वाली थी जहां थी। ढोंग कर रहा है वो, हमें इस जागीर में जलील करना चाहता है, मेरा और तुम्हारा तमाशा बनाना चाहता है। छम छम सावन रास्ता नया।